हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के एक और वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आज हम लोग काम करने वाले हैं अगेन एक डोम लाइट पे, और ये है टाटा मांजा जो कि फिलहाल कुछ दिनों से मेरे पास में है। और इसको प्रॉपर करने का, और या फिर कहें कि एफिशिएंट और थोड़ा सा और ठीक करने का जिम्मा मैंने कुछ दिनों से उठाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस डोम लाइट को चेंज एलईडी में, क्योंकि ये जो है ट्रेडिशनल बल्ब इसमें लगे हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, किसी भी गाड़ी में जो डोम लाइट है उसको एलईडी में रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें ऊपर का जो कवर है उसको खोलना होगा। सिंपल इसको दबा के खोलना है। तो यहाँ पर इसका जो कवर है वो निकल गया है। इस कवर को हम थोड़ा सा साफ करेंगे तो और थोड़ा सा लाइट अच्छी मिलने लगेगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास में तीन अलग अलग बल्ब लगे हुए हैं। एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, और तीसरा बल्ब जो है वो ये है। तो यहाँ पर हमें तीन अलग अलग टाइप के बल्ब लेने होंगे। तो जैसा कि मेरे पास में ये एलईडी का एक ये डब्बा है, और इस डब्बे में मेरे पास में ये डोम लाइट के लिए एलईडी है, और दूसरी ये जो T3 बल्ब होता है उसकी भी मेरे पास में एलईडी है। तो भाई आइए इसको लगाते हैं इसको डोम लाइट में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पहले इस पे काम कर लेते हैं। ये लाइट हमें यहाँ से निकालनी होगी, काफ़ी ज़्यादा कड़क लगी हुई है, मुझे इसमें दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो भाई यहाँ पर हमने इसमें से जो एलईडी वो जो बल्ब है वो निकाल लिया, और ये एलईडी हमें अब हमें इसमें लगानी है। तो यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जो दो बल्ब है इनको भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनको लगाना ज़्यादा आसान है। तो ये कुछ इस तरीके से जलते हैं, और यहाँ पर हम सिंपल दो उंगली डाल के इन बल्बों को खींच सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा उंगली डाल के निकालना मुश्किल होगा, तो हम किसी हथियार या टूल्स का यूज़ करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। कुछ देर की मशक्कत के बाद में हमने ये दोनों बल्ब, ये तीनों बल्ब जो हैं इस डोम लाइट से निकाले हैं, और इसके साथ में ये जो तीन बल्ब आप देख रहे हैं इसमें दो ये जो T3 बल्ब हैं और ये हैं, और ये डोम लाइट बल्ब है। तो जो डोम लाइट का साइज़ है थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। बेसिकली मैं जुगाड़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जुगाड़ जो है मैं यूजली हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जुगाड़ अधिकतर फेल हो जाती है। तो हमें कुछ ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि ये इस साइज में आ जाए। फिलहाल हम इन दोनों को लगाते हैं। पहला बल्ब पहले हम इसको चालू कर लेंगे, पहले हम इस बटन को चालू कर लेंगे ताकि जो हम लगाएं तो दिख जाए कि भाई जल रहा है या नहीं जल रहा है। ठीक है, पहला वाला चल रहा है। ओके, वैसे ही हमें दूसरा वाला भी चालू करना है और फिर इसको लगाना है, ताकि क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है तो कई बार हमें उल्टा सीधा देखना पड़ता है। ये वाला भी ऑन हो गया, तो भाई दोनों ऑन हो गए हैं। अब हमें तीसरे वाले के ऊपर काम करना है। तीसरा और आखिरी जो हमने डोम लाइट लगाई है उसको देख सकते हैं कि उसमें पहले हमने स्क्रू लगाया जो कि पीछे सपोर्ट दे रहा था, और उसके बाद में इसको लगा दिया है, क्योंकि एक तरफ इसमें टेंशन था तो ये जो है बढ़िया चलने लगा है। अब आइए इसका जो कवर है वो लगा देते हैं, और फिर चलते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि इसमें इस गाड़ी में दो डोम लाइट होती हैं। तो एक पीछे वाली है, ये ड्राइवर साइड वाली हमने कर दी है, उसका जो ढक्कन है वो लगा देते हैं। इसका लग गया है, अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये जल रहा है, ये भी जल रहा है, और ये भी जल रहा है। तो दो तीन अलग अलग शेप के जल रहे हैं, और कुल मिला के बढ़िया है। अब आइए पीछे वाली को भी सही कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इसको निकालना किस तरीके से निकलेगा, ये भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग काम होता है, ताकि बिना टूट फूट के ये निकल रहा है। ठीक है, आगे से नहीं निकलेगा ये, तो मुझे इसमें दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको हमने किस तरीके से निकाला है। थोड़ी सी मशक्कत के बाद में लाइट निकल गई है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्टील वाले लॉक हैं इसमें, और यहाँ पीछे की तरफ
प्लास्टिक वाले लॉक हैं, तो ये कुल मिला के कुछ इस तरीके से लगी हुई थी। ये स्टील वाले लॉक इसमें अभी फंस जाएंगे, तो फिलहाल हमने किया है। और ये इस तरीके से दो लाइटें इसमें जल रही हैं। तो अब हम सबसे आसान तरीका होगा कि पहले इसको सॉकेट से यहाँ से अलग कर लें और फिर नीचे रख के इसको बहुत आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एलईडी में। तो पहले मैं इसको सॉकेट को अलग कर लेता हूँ। गाइस सॉकेट अलग हो गया है। अब सॉकेट से अब हमें इसका जो ऊपर का कवर है उसको रिमूव करना है। तो प्रॉबेबली इसमें भी लॉक ही दिए होंगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे भी लॉक दिए हुए हैं। तो फिलहाल अब हमें इसको अलग करना होगा। तो गाइस कवर निकालने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का है कि इसमें बल्ब जो है थोड़े से सीधे ना लग के थोड़े तिरछे, इसमें जो बल्ब है वो सीधे ना लग के थोड़े तिरछे लगे हुए हैं। तो अब हमें इसको निकालना होगा और इसमें लगानी होगी एलईडी। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात चेक करनी होगी कि बल्ब जो है, क्योंकि इसमें तिरछे लगेंगे तो देखना होगा कि ये सही से फोकस दे पाते हैं या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो गाइस ये पीछे वाली जो डोम लाइट है उसमें से भी हमने ये जो दो बल्ब हैं और रिफ्लेक्टर निकाल लिए हैं। अब इनका जो सॉकेट है वो खाली हो चुका है। अब इसमें हम लगाने वाले हैं एलईडी और देखेंगे कि ये कितना रिफ्लेक्शन देती है। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद में अब देखिए हमने इस तरीके से इस रियर डोम लाइट को बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस टाइप के बल्ब थे वो पहले तिरछे लगे हुए थे, तो वहाँ पर हमने जो सिंपल होल्डर है उसका यूज़ किया है, उसमें से वायर निकाले हैं और उस वायर को लगाया है हमने इस तरफ। और सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पर भी किया है। अभी फ़िलहाल हमारी ये डोम लाइट पीछे वाली भी तैयार है। आइए इसको एक बार चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें इसमें जो इसका कपलर है उसको लगाना होगा। ये हमने लगा दिया है। अब एक एक करके हम इसको ऑन करके देखेंगे। तो ये वाली ऑन हो रही है और ये भी ऑन हो रही है। आइए इसको वापस से इसकी जगह पे कस देते हैं और फिर फाइनल चेक करेंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ ये रियर वाला सेक्शन है, मतलब ये पीछे की तरफ आएगा और ये फ्रंट वाला है। तो ये यहाँ पर लग गया है और ये भी जल रही है और ये भी जल रही है। अब इसका जो कवर है इसको भी हम लगा देते हैं। कवर भी लग गया है और इस तरीके से अभी ये लाइट भी चल रही है। तो गाइस ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आज आपको टाटा इंडिगो मांजा में फ्रंट डोम लाइट और जो पैसेंजर डोम लाइट है उसको एलईडी में कन्वर्ट करना पता है। आप देख सकते हैं कि जैसे अभी रात का टाइम है और जो डोम लाइट है ये बेसिकली फ्लैश लाइट मैंने ऑन की है, और उसके बाद में फ्लैश लाइट जैसे हम ऑफ करते हैं तो देख सकते हैं कि ये जो एलईडी है ये भी बढ़िया दिख रही है, और ये वाली जो है ये भी काफ़ी बढ़िया दिख रही है, और कैबिन के अंदर ऐसा मतलब रोशनी की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। और इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर मैं बिना फ्लैश के भी एक डिसेंट व्यू देख सकता हूँ। और अगर मैं पीछे की बात करूँ कि पीछे वाली डोम लाइट कैसी है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ऐसी ये है पीछे की डोम लाइट, और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, दोनों को ऑन कर देता हूँ, तो एक बहुत ही बढ़िया जो व्यू है कैबिन का मिल सकता है हमें, आप देख सकते हैं। और मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। फ्लैश ऑन करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि लाइट काफ़ी बढ़िया चमक रही है। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से डोम लाइट जो है कार की हम चेंज कर सकते हैं। अब ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ टाटा मांजा के लिए नहीं था, इस तरीके से आप किसी भी कार की जो डोम लाइट है वो अपने घर पर किसी भी DIY वीडियो में चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.